आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी, मैं हूं रूना आशीष और अब हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के उस गिग के बारे में जिसके बारे में आप सुबह से मुझसे पूछ रहे हैं। रूना जी, इज दिस न्यू शो जो हमें मालूम नहीं था या फिर ये एग्जैक्टली क्या है? तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, वही आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि ये लोग अटलांटा में पहुंच चुके थे और घूमना फिरना भी जारी था। 29th का जो इंडियन डेट के हिसाब से 29th का जो इनका शो है वो टंपा बे में होने वाला है, लेकिन उसके भी पहले इनका एक तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। कुछ एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बेसिकली कुछ एक वीडियोज भी मेरे पास आए हैं जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसका वॉल्यूम मैंने कट कर दिया है तो जरा माफ कीजिएगा उसके लिए, पर जो गाने गाए हैं वो भी मैं आपको बताने जाने ही वाली हूँ। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या फिर जो पिक्चर्स आपको बाहर जो एक सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, ये एक प्राइवेट फंक्शन था, ये एक वेडिंग का फंक्शन था, प्राइवेट गिग था जिसके लिए लाइव जाना पॉसिबल नहीं था। अदरवाइज ये भी हो सकता था कि हमें कुछ एक पार्ट लाइव देखने के लिए मिल भी जाए, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वहां पर परफॉर्मेंस और गाने बहुत सुमधुर तरीके से गाए हैं, विच वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड। मेरे पास जो वीडियो आया है उसमें अरुणिता का लग जा गले गाना मैंने सुना है, वहीं पवन की तू जो मिला फिर केसरिया, यारा तेरी यारी को, तेरा यार हूं मैं, चन्ना मेरे या, और उन्होंने हीर भी गाई और साथ में केसरी का तेरी मिट्टी ये वाला गाना भी गाया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आप वीडियो देखिए और एक बात पे मेरा भी ध्यान अटक गया था, जब वहां पर प्राइवेट फंक्शन में कुछ और गाने और परफॉर्मेंसेस चल रहे थे तब पवन अरुणिता बातों में एकदम बिजी थे। और वो देख के अच्छा लग रहा था उनके लिए, कुछ जो उनके चाहने वाले हैं, जैसे बात अगर मैं करती हूँ हिना पटेल जी की तो उन्होंने स्पेशल गिफ्ट भी भिजवाए थे और फिर मुझे मनीष जी की तरफ से भी कुछ एक पिक्चर्स आए हैं। तो चलिए भाई, जो जो पवन के फैंस हैं, मैं तो यही चाहूंगी कि जब भी जहां भी मौका मिलता है इन लोगों को डेफिनेटली मिलने का मौका मिल जाए।
सो अब पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।